प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जवाहरलाल नेहरू के मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू मानव जीवन के नैतिक प्रयोजन, मनुष्य की नैतिक चेतना तथा सत्य और आदर्श के लिए संघर्ष करने की मनुष्य की अक्षुण क्षमता के प्रति विश्वास रखते थे। वे परंपरागत अर्थ में व्यक्तिवादी तो नहीं थे, किंतु ये कहना सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि व्यक्ति उनके चिंतन का केंद्रीय तत्व था। साम्यवादी विचारों से वो अत्यधिक प्रभावित थे और साम्यवादी विचारों से प्रभावित होते हुए भी वे मार्क्सिस्ट सिद्धांतों पर आधारित समाजवादी पद्धति को उसी रूप में अपनाने के लिए केवल इस कारण प्रेरित नहीं हुए कि वह पद्धति व्यक्ति की वैधानिकता वैधानिकता का निषेध करती थी और व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना पर समुदाय के बाध्यकारी नियंत्रण को बलपूर्वक थोपती थी। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य के प्रति नेहरू की निष्ठा उदारवादी वातावरण में हुए उनके प्रशिक्षण और महात्मा गांधी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम थी। व्यक्ति के अधिकारों पर आधारित पश्चिमी उदारवाद ने उन्हें प्रभावित किया। पश्चिमी उदारवादी विचारकों की पृष्ठभूमि में उन्होंने राज्य और मनुष्य पर नियंत्रण स्थापित करने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा व्यक्ति के आत्मनियंत्रण के अधिकार नियंत्रण के अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप को अनुचित माना। पश्चिमी उदारवादियों की भांति नेहरू ने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि राज्य की दमनकारी शक्ति के विरुद्ध व्यक्ति के कतिपय अधिकारों को मौलिक और अनुलंघनीय माना जाना चाहिए तथा उनके संबंध में राज्य की बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग को वर्जित किया जाना चाहिए। उनके संबंध में राज्य की बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग को वर्जित किया जाना चाहिए। मनुष्य की स्वायत्तता और स्वतंत्रता में उनकी आस्था ने ही उन्हें समुदाय और व्यक्ति के हितों के मध्य ऐसे समन्वय की खोज के लिए प्रेरित किया जिसमें कि व्यक्तिगत गरिमा और समुदाय के दोनों ही एक साथ सुनिश्चित किया जा सके। यह ध्यान देने योग्य है कि व्यक्ति के प्रति नेहरू की आस्था के कारण उन्हें व्यक्तिवादी नहीं अपितु मानवतावादी के कोटि में रखा जा सकता है। व्यक्ति के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण पश्चिमी उदारवाद से इस अर्थ में भिन्न है कि उदारवाद व्यक्ति के जीवन में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप का निषेध करता है और केवल व्यक्ति के अपने हितों में निर्णय लेने की बौद्धिक क्षमता से विश्वास करता है। इसके विपरीत नेहरू की आस्था व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में नहीं अपितु मानव की नैतिक प्रेरणा में है। नेहरू की दृढ़ मान्यता है कि व्यक्ति में व्यक्ति के कर्तव्य के प्रति समर्पण, आत्मत्याग और उच्चतर नैतिक प्रयोजनों के प्रति निष्ठा की सहज भावनाएं होती हैं, जिनके रहते हुए राज्य की दमनकारी शक्ति के भय द्वारा नहीं अपितु अपनी नैतिक चेतना के कारण ही अपने कल्याण और सामुदायिक हित के मध्य समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखता है। व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व के प्रति नेहरू की आस्था किसी धार्मिक विश्वास का परिणाम नहीं थी। गांधी जी की तरह वे व्यक्ति की अनिवार्य श्रेष्ठता में तो विश्वास करते थे, किंतु वे ये नहीं मानते थे कि व्यक्ति की यह नैतिक श्रेष्ठता इस कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। नेहरू की मान्यता थी कि मानव में ऐसी आंतरिक प्रेरणा और सामर्थ्य होती है कि वह शुद्र और संकीर्ण मंतव्यों के बजाय व्यापक और
कई व्यापक और नैतिक प्रयोजनों के प्रति समर्पित हो सके। वे यह स्वीकार करते हैं कि शुद्र स्वार्थों और संकीर्णताएँ कई बार व्यक्ति के इस नैतिक आग्रह को आच्छादित कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन पर बाध्यकारी बाहरी नियंत्रण एक सीमा तक अपरिहार्य हो जाते हैं, किंतु उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ऐसी स्वभावजन्य दुर्बलताएं मनुष्य पर स्थायी प्रभाव नहीं रख सकती हैं। अंततः उन्हें मनुष्य के आदर्श के प्रति निष्ठा के समक्ष पराजित होना ही पड़ता है। उन्होंने कहा, मनुष्य की यह प्रवृत्ति कितनी आश्चर्यजनक है। युगों युगों से अपनी अगणित दुर्बलताओं के पश्चात भी मानव ने आदर्श के लिए, सत्य के लिए, विश्वास के लिए, देश और आत्मसम्मान के लिए अपने जीवन का सर्वस्व का बलिदान किया। मनुष्य अपने आदर्शों को परिवर्तित कर सकता है, किंतु आत्म बलिदान की शक्ति बनी रहती है। इस शक्ति के होते हुए आशा का परित्याग कर ही नहीं सकता है। नेहरू टैगोर को महान मानवतावादी मानते थे। टैगोर की मानव के प्रति आस्था ने उन्हें अभिभूत कर लिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में टैगोर के इस संदेश को कि मैं ईश्वर में विश्वास खो सकता हूँ, किंतु मैं मनुष्य में विश्वास खो देने का घोर पाप नहीं करूँगा, प्रशंसापूर्वक उद्धृत किया गया है। यानी कि वो एक तरीके से मानव के प्रति आस्था जो टैगोर की थी उसके कायल थे। नेहरू स्वीकार करते थे प्रस्तुतियों और विकृतियों, संकीर्ण स्वार्थों ने मानव को उसकी मूलभूत गरिमा से वंचित कर दिया है। तथापि वे मानव के इस तात्कालिक नैतिक पतन के समक्ष परास्त नहीं होना चाहते थे, अपितु ये मानते थे कि मनुष्य के व्यक्तित्व में विद्यमान अनिवार्य श्रेष्ठता में आस्था रखकर ही एक नई न्यायनिष्ठ व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जब मैं चारों ओर देखता हूँ, मुझे एक गौरवपूर्ण सभ्यता के गिरते हुए ध्वंसावशेष दिखाई पड़ते हैं। मानव में निरर्थकता का विशाल ढेर हो, फिर भी मैं मनुष्य में विश्वास को देने का गौर पाप नहीं करूँगा, अपितु मैं आशा करता हूँ कि जब प्रलय गुजर जाएगी, सेवा तथा बलिदान की भावना से वातावरण निर्मल हो जाएगा, तो इतिहास में एक नवीन अध्याय खुलेगा। मैं मनुष्य में विश्वास नहीं खो सकता। ईश्वर की सत्ता में भले ही इनकार कर दें, ईश्वर की सत्ता से भले ही हम इनकार कर दें, किंतु यदि हम मनुष्य की सत्ता को स्वीकार कर देंगे तो प्रत्येक बात निरर्थक बन जाएगी और हमारे लिए कोई आशा शेष नहीं रहेगी। मनुष्य के प्रति नेहरू की आस्था के दो स्वाभाविक आयाम थे। ये दो स्वाभाविक आयाम कौन कौन से थे? पहला था, वे समस्त संस्थाओं के औचित्य का केवल यह आधार स्वीकार करते थे कि वे मानव के कल्याण के प्रति समर्पित हो। दूसरा, वे स्वीकार करते थे कि एक न्यायनिष्ठा सामाजिक व्यवस्था तथा एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना राज्य तथा अन्य दमनकारी संस्थाओं के बाध्यकारी नियंत्रण द्वारा नहीं, अपितु मानव में अंतर्निहित उदात्त श्रेष्ठताओं और समन्वयकारी प्रवृत्तियों में आस्था रखकर ही की जा सकती है। उनके विकारों की इस मानवतावादी पृष्ठभूमि के कारण ही उन्होंने समाजवाद के स्वाभाविक और आर्थिक न्याय के मंतव्यों को तो ग्रहण किया, किंतु इन पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें साम्यवादी तरीकों की अपेक्षा गांधी की अहिंसावादी पद्धति ने अधिक आकर्षित किया, क्योंकि हिंसा का नियम दमनकारी शक्ति के सम्मुख व्यक्ति के विवश समर्पण पर आधारित है, और इस प्रकार व्यक्ति की गरिमा का अनिवार्यतः निषेध करता है। इसके विपरीत अहिंसा का सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा को अक्षुण रखता है। इस प्रकार अहिंसक पद्धति में अंतर्निहित नैतिक और मानवीय चेतना को उद्वेलित करके क्रियाशील होती है। इस प्रकार वह व्यक्ति को विवश नहीं अपितु रूपांतरित करती है। इस कारण यह
वह व्यक्तिगत गरिमा और न्यायनिष्ठ व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्यों को एक साथ सुनिश्चित कर सकती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद। नेहरू एक प्रबल राष्ट्रवादी थे। भारत के आधारभूत एकता में उनका गहरा विश्वास था। वे स्वीकार करते थे कि अनेक सांस्कृतिक, भाषागत और भौगोलिक विविधताओं के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र था। उनकी मान्यता थी कि सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के मध्य समन्वय की अतीत से चली आने वाली एक सतत परंपरा एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान का विशिष्ट लक्षण है। विविधताओं को समाहित करने और उन विविधताओं के रहते हुए एकता का सूत्र खोज लेने की भारत की क्षमता के प्रति नेहरू की गहरी आस्था थी। नेहरू की राष्ट्रवाद की संकल्पना के विशिष्ट पक्षों को हम इस प्रकार से सूत्रबद्ध कर सकते हैं। उनमें पहला है राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर बल। नेहरू ने राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष को महत्व के साथ में स्वीकार किया। उनके लिए अतीत की उपलब्धियों, सांस्कृतिक आस्थाओं और चिंतन के आचरण की शाश्वत परंपरा वर्तमान चुनौतियों का एकताबद्ध होकर संघर्ष करने की राष्ट्र की क्षमता तथा मानव मात्र के कल्याण पर आधारित उन्नत भविष्य को सुनिश्चित करने की आकांक्षा भारतीय राष्ट्रवाद के अनिवार्य अंग थे। उन्होंने लिखा, राष्ट्रवाद तत्वतः अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है। राष्ट्रवाद जितना शक्तिशाली आज है उतना पहले कभी नहीं था। जब कभी संकट आया तब राष्ट्रवादी भावना का उत्थान हुआ और लोगों ने अपनी परंपराओं से शक्ति और संबल प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अतीत और राष्ट्र का पुनरान्वेषण वर्तमान युग की एक आश्चर्यजनक प्रगति है। दूसरा पॉइंट है अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य समन्वय। नेहरू अतीत के गौरव को राष्ट्रीयता के एक तत्व के रूप में स्वीकार करते थे। किंतु उनके लिए केवल अतीत के गौरव की अनुभूति सुदृढ़ राष्ट्रीयता का अकेले ही आधार नहीं बन सकती थी। वे भारतीय राष्ट्र की पहचान के लिए अतीत के गौरव, वर्तमान की समृद्धि और भविष्य की संभावनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, भारत को एक सीमा तक अपने अतीत से संबंध तोड़ना होगा। जिस सीमा तक उसके वर्तमान की समृद्धि पर अतीत का भार है उसे रोकना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने इतिहास के सब चीज़ों के संबंध तोड़ दें या उसे भूल जाएं। हमारे अतीत में ऐसे जीवंत तत्व हैं जिनका असंदिग्ध महत्व है। हम उनको भी नहीं भूल सकते जिन्होंने हमें प्रेरित किया है। भारतीय जनता के युगों से चले आने वाले स्वप्नों को, हमारे पूर्वजों के प्रेम उत्साह को, उनकी मानसिक उत्कृष्टता, जिज्ञासा की भावना को, उनके सत्ता के प्रति उनके विचारों की साहसिकता को, साहित्य, कला और संस्कृति में उनकी प्रतिभा को, सत्य, शिव, सुंदर और
स्वतंत्रता के लिए उनके प्रेम को, मूल्यों की उनकी मौलिक प्रणाली को, दूसरों के प्रति उनकी सहिष्णुता को, दूसरे व्यक्तियों और उनकी संस्कृति को अपनाने की सामर्थ्य को समन्वय करके बहुरंगी मिलीजुली संस्कृति का निर्माण करने की उनकी क्षमता को हमें महत्व देना होगा। भारतीय चिंतन और जीवन की इस परंपरा को हम कभी नहीं भूलेंगे और इस परंपरा के प्रति हमें गर्व का भाव सदा बना रहेगा। यदि भारत इन सबको भूल जाएगा तो ऐसा भारत नहीं होगा जिस पर हमें हर्ष और शोम की अनुभूति होगी। नेहरू ने इस बात पर बल दिया कि सुदृढ़ भारतीय राष्ट्रवाद की संकल्पना में भारत के अतीत की अच्छाई के प्रति अनुराग के साथ ही अतीत की बुराइयों को त्यागने की तत्परता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमें अपने अतीत से नाता नहीं तोड़ना है अपितु युगों पुरानी इस धूल और मिट्टी से नाता तोड़ना है जिसने हमारे अतीत के आंतरिक सौंदर्य और यथार्थ को छिपा दिया है। हमें अपने अतीत के इस उस व्यर्थ और विकृत हिस्से से अपना संबंध तोड़ना है जिसने हमारे उदात्त भावना को जड़ बनाकर हमें पथभ्रष्ट किया है और उसे ऐसे कठोर बंधनों में बांध दिया है जो हमारी प्रगति को अवरुद्ध करते हैं। हमें अपने पुराने ज्ञान को एक नए सिरे से अपनाना होगा ताकि वर्तमान परिस्थितियों से उनका सामंजस्य हो सके। हमें विश्व के अन्य समुदायों के साथ विश्व के विकास की रोचक और साहसिक यात्रा में समान रूप से भागीदारी बन सके। हमें सत्य, सौंदर्य और स्वतंत्रता के प्रति हमारे आग्रह को पुनर्जीवित करना होगा। नेक्स्ट है, अगला है खुला दृष्टिकोण। नेहरू के राष्ट्रवाद में अपनी संस्कृति पर गर्व करने और उनके आधार पर आत्मविश्वास का अनुभव करने के लिए तो स्थान है, किंतु अपनी श्रेष्ठता के दम्भ और दूसरों की श्रेष्ठ बातों को ग्रहण न करने के मताग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है। अपनी श्रेष्ठता के मिथ्याभिमान और अंधानुकरण की प्रवृत्ति दोनों को ही नेहरू भारतीय प्रगति के मार्ग में बाधा मानते हैं। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए अतीत और वर्तमान पूर्व पश्चिम में समन्वय की आवश्यकता है। उनकी अपेक्षा थी कि भारत अपने धरोहर पर तो गर्व करे किंतु दूसरे संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्व को ग्रहण करने में संकोच न करें। उनका मत था कि हीन भावना और संकीर्णता से मुक्त होकर ही स्वतंत्र भारत निश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा, यह सत्य है कि स्वाभिमानी भारतीय जाति के गौरव पर बार बार आधारित किए जाति गौरव पर उन्होंने कहा यह सत्य है कि स्वाभिमानी भारतीय जाति के गौरव पर बार बार आघात किए गए हैं किंतु शोभा कैसे भारतीयों में घृणा का भाव नहीं है और शीघ्र उनकी सद्वृत्ति ऊपर आ जाती है। जैसे ही स्वतंत्रता के नए क्षति दिखाई देंगे भारत पुनः अपने स्वरूप में आ जाएगा। उस समय भविष्य का आकर्षण इतना होगा कि इससे पिछली निराशाओं और अपमान दृष्टि से हट जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के स्वर्णिम भविष्य की आशा। एक राष्ट्रीय रूप में भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति नेहरू आश्वस्त थे। परंपरा और आधुनिकता में तारतम्य स्थापित करने तथा विभिन्न विचारों और प्रभावों में समन्वय करने की भारतीय क्षमता पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि पुराना जादू अब हट रहा है और भारत चारों तरफ देख रहा है, वर्तमान समय के लिए सजग हो रहा है। इसमें परिवर्तन होगा लेकिन कितने परिवर्तन हो अतीत की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। भारत के लोगों के हृदय पर उनका आधिपत्य सदा रहेगा। भारत की पोशाक बदल सकती है किंतु भारतीय अक्षुण है, भारतीयता अक्षुण है। इस कठोर प्रतिकारवादी और संदेहास्पद संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ सुंदर सत्य है उसे अपनाने में भारत को अपने अतीत के ज्ञान के भंडार से सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, जनशक्ति में आस्था। भारतीय राष्ट्रवाद को नेहरू का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक योगदान यह है कि उन्होंने अपने संकीर्ण सांप्रदायिक आग्रहों और केवल अतीत के
गौरव के अनुमति के रूप में परिवर्तित करने की अपेक्षा जागृत जनशक्ति की अपार संभावना के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा ये भारत माता क्या है, अर्थात ये भारत क्या है। भारत माता का अर्थ कुछ लोगों के लिए भारत की भूमि हो सकता है, भारत की नदी पहाड़ जंगल खेत सभी हमें प्रिय हैं, किंतु वास्तव में भारत के प्रति जिस तत्व की पहचान की जानी चाहिए वह भारत के लोग हैं। भारत माता सदा दरअसल 10 करोड़ लोग हैं, और भारत माता की जय से तात्पर्य है उन लोगों की जय। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि तुम भारत माता के अंश हो, और एक तरह से तुम ही भारत की माता हो। जनता की क्षमताओं और आस्था तथा जनता के कल्याण के प्रति समर्पण नेहरू के राष्ट्रवाद के अनिवार्य पक्ष हैं। भारतीय स्वतंत्रता के महत्व को भी नेहरू ने केवल राष्ट्रीय परंपरा पर प्रतिस्थापित कराने वाली एक घटना के रूप में नहीं देखा, अपितु एक कल्याणकारी जन कल्याणकारी नवी व्यवस्था की स्थापना की संभावना और उसके प्राप्ति के लिए भारतीय जनता के एकताबद्ध संकल्प के रूप में समझा जाता था। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता की अनिवार्यता। राष्ट्रवाद के प्रति आस्था के कारण भारत की प्रतंत्रता का तथ्य नेहरू को उद्वेलित करता था। यद्यपि उनका पालन पोषण अंग्रेजी पद्धति से हुआ और अंग्रेजी सभ्यता और जीवन प्रणाली को के प्रति उनके मन में प्रतिष्ठा का भाव था, तथापि वे कांग्रेस की पूर्ववर्ती उदारवादी नेताओं की भांति ये स्वीकार नहीं करते थे कि भारत के कल्याण के लिए भारत का ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन रहना आवश्यक था। वे भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार तथा अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के अधिकार के दृढ़ पक्षधर थे। जब कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेता भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के औपचारिक अंग के रूप में अधिराज्य स्तर की मांग कर रहे थे, नेहरू ने पहली बार भारत की पूर्ण स्वाधीनता का कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करवाने में निर्णायक पहल की। उन्होंने कहा किसी भी प्राधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए जिसमें कि अस्मिता और अपनी पृथक पहचान के प्रति तीव्र भावना विद्यमान रही है और जिसके पास अतीत की धाती है, ये बात और भी सही है। व्यापक दृष्टिकोण। नेहरू का राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था, वे भारतीय राष्ट्रवाद को मानव मात्र की स्वतंत्रता और कल्याण के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानते थे। साथ ही एक ऐसे राष्ट्र निर्माण के संकल्प को राष्ट्रवाद का अनिवार्य हिस्सा मानते थे जिसमें अन्याय उत्पीड़न अभावों का निराकरण कर दिया गया हो। इस प्रकार नेहरू के राष्ट्रवाद की अतीत ही इस प्रकार नेहरू के राष्ट्रवाद में अतीत की प्रेरणाएं उदार और व्यापक दृष्टिकोण तथा भारत के उज्ज्वल भविष्य निर्माण की आकांक्षा का विलक्षण समन्वय था। धन्यवाद।